बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मुसलमा कज़्ज़ाब ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को ख़त लिखा, मेरे साथ एक मुआहदा कर लें, जब तक आप हयात ज़ाहरी में हैं आप नबी हैं, जब आपका विसाल हो जाए तो मैं नबी। या ये मुआहदा कर लें कि आधे अरब के आप नबी, आधे अरब का मैं नबी। माज़ अल्लाह। इसके ख़त पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने जवाब में लिखा, मैं तो अल्लाह का रसूल हूँ जबकि तू कज़ाब है, झूठा है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने ख़त में कज़ाब लिखा तो फरमाने लगे, कौन लेके जाएगा ये ख़त उस कज़्ज़ाब के दरबार में। अब इसके दरबार में जाना, हालात बड़े ख़तरनाक हैं, इसके आगे भी बंदे और पीछे भी बंदे हैं, जान का ख़तरा भी है। एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हों थे, छाबड़ी फरोश, सर पर टोकरा रख के मदीने की गलियों में खजूरें बेचते थे। 11-12 बच्चों के बाप थे, जिस्मानी तौर पर भी कमज़ोर थे। खजूर खा रहे थे, फटाफट उठे, हाथ उठाकर कहा, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, किसी और की ड्यूटी ना लगाइएगा, मैं जाऊंगा। जब ये अल्फाज जल्दबाजी में कहे तो उनके मुंह से खजूरों के टुकड़े मजलिस में बैठे सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहि अजमाइन के चेहरों पर गिरे। एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहने लगे, अल्लाह के बंदे, पहले खजूरें तो खा ले, बड़ी जल्दी है तुझे बोलने की। मुस्कुरा कर कहने लगे, अगर मैं खाते खाते ड्यूटी किसी और की लग गई तो क्या करूँगा, मुझे जल्दी है। अल्लाहु अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अपना नेज़ा दिया, घोड़ा दिया और फरमाया, ज़रा डट के जाना उस कज़्ज़ाब के घर। वो सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अकीदत से कहने लगे, महबूबे खुदा आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, फिकर ही ना करें। सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहि अजमाइन कहते हैं, वो इस तरह निकले जैसे कोई जर्नेल निकलता है। उन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अंदाज ही बदल गया, उसके तौर तरीके बदल गए। वो यूं निकले जैसे कोई बड़ा दिलेर आदमी जाता है। वो सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमा कज़्ज़ाब के दरबार में गए। वहाँ एक शख्स जो बाद में मुसलमान हुआ वो बतलाता है, वो सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनका नाम हज़रत हबीब बिन जैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु था, जब वहाँ दरबार में पहुँचे तो अपना नेज़ा ज़ोर से दरबार में गाड़ दिया। मुसलमा ठिठक के कहता है, कौन हो आप? रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने गर्राते हुए फरमाने लगे, तुझे चेहरा देखकर पता नहीं चला कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का नौकर हूँ। हमारे तो चेहरे बताते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम वाले हैं, तुझे पता नहीं चला मैं कौन हूँ? मुसलमा कज़्ज़ाब कहने लगा, कैसे आए हो? बेनियाजी से फरमाया, ये तेरे ख़त का जवाब लेकर आया हूँ। बादशाहों का तरीका ये था कि वो ख़त खुद नहीं पढ़ते थे, साथ एक बंदा खड़ा होता था, वो ख़त पढ़ता था। तो मुसलमान ने ख़त इसको दिया के पढ़ो। जब उसने ख़त पढ़ा तो उसमें ये भी लिखा था, तू कज़्ज़ाब है। ये जुमला वहाँ मौजूद सब ने सुन लिया। अकेले में होता तो बात और थी, वो आग बगूला हो गया, आंखें सुरख हो गईं। हज़रत हबीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बिन जैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तने खड़े थे, गुस्से से तलवार लेके उठा और कहने लगा,
तेरे नबी ने मुझे कज़ाब कहा है, तेरा क्या ख्याल है? हबीब बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हो मुस्कुरा के फरमाने लगे, ख्याल वाली बात ही कोई नहीं, जिसे मेरा नबी कज़ाब कहे वो होता ही कज़ाब है। तू सात समंदरों का पानी भी बहा दे तो भी तेरा झूठ नहीं धुल सकता। मुसलमान गुस्से की शिद्दत से कांपते हुए कहने लगा, तू पीछे पलट के देख, सारे मेरे सिपाही, मेरे पहरेदार, तलवारें, नेजे, खंजर, तीर सब तेरे पीछे खड़े मेरे मानने वाले हैं। हजरत हबीब बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हों फरमाने लगे, मेरे 12 बच्चे हैं, इनमें से कुछ ऐसे हैं जो दूध पीते हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अभी चलना नहीं सीखा। मैं जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लेके निकला था तो मैंने पलट के बच्चे नहीं देखे, तो तेरे पहरेदार कैसे देख लूँ? जो जी में आता है कर। ग़ुलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान देने से नहीं डरते। मुसलमान ने ज़ोर से तलवार मारी, बाजू कट के गिर गया, कहने लगा, अब बोल तेरा क्या ख्याल है? आप रजी अल्लाह ताला अन्हों फरमाने लगे, तू बड़ा बेवकूफ़ है, हमें आजमाता है, हमें तो बदर से लेकर अहद तक सब आजमा चुके हैं, तू अभी भी ख्याल पूछता है। मेरा ख्याल वही है जो मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। मुसलमान ने फिर तलवार मारी, दूसरा हाथ कट गया, कहने लगा, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, बाज आ जा। आप रजी अल्लाह ताला अन्हों फरमाने लगे, तू बड़ा नादान है, उनको डराता है जो फजर की नमाज पढ़ के पहली दुआ ही शहादत की मांगते हैं, जो करना है कर ले। मुसलमान कज़ाब ने तलवार गर्दन पर रखी, कहने लगा, मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। हबीब बिन जैद आप रजी अल्लाह ताला अन्हों फरमाने लगे, काटता क्यों नहीं? रवायत करने वाला फरमाता है, मुसलमान के हाथ कांपे थे, तलवार चलाई, गर्दन कट गई। उधर मदीने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आए। सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहि अजमाइन ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हुआ? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा हबीब शहीद हो गया और रब करीम ने उसके लिए जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए। सुभानअल्लाह। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबाएं, ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपको मुतवातर मिल सके। फी इमानिल्लाह।